ओके तो ये गाइस, हमने कॉकरोच कंप्लीट कर लिया था। अब फ्रॉग अपन कर रहे हैं। देखिए, जो फ्रॉग है वो इतना पूछा नहीं जाता है किसमें, नीट के अंदर, पर एज पर द न्यू एनसीईआरटी, मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अंदर जो फ्रॉग है, फ्रॉग ही दिया गया है बस। तो चांसेस हैं कि दो से, क्योंकि दो से तीन क्वेश्चंस एनिमल टिश्यू से आते ही हैं, और इस साल चार से पांच हैं। एक दो तो एनिमल टिश्यूज के डाल दिए और दो तीन कॉकरोच के डाल दिए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि दो तीन क्वेश्चंस जो हैं वो नीट 2024 में भी पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो अपना टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉकरोच का किंगडम एनिमेलिया है, क्लास एम्फीबिया है। अच्छा, जो हम स्पीशीज कॉकरोच के भी पढ़ रहे हैं वो इंडियन स्पीशीज है, दैट इज अ राना टिग्रीना। राना टिग्रीना, अंडरलाइन क्यों किया आपको पता चल गया? राना टिग्रीना, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। ये एक इंडियन स्पीशीज है और इसको बुल फ्रॉग भी बोला जाता है। क्लियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं मैं थोड़ी सी, तो इसका हैबिटेट क्या है? इस फ्रॉग का जो हैबिटेट है वो है हमारा फ्रेश वाटर एंड लैंड। ये पोल्कियोथर्म है। पोल्कियोथर्म का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या ऐसे एनिमल्स जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नेचर के साथ चेंज होता है या एनवायरमेंट के साथ चेंज होता है। तो पोल्कियोथर्म्स है यार। तो ये एक तो पहली बात, पोल्कियोथर्म से ये एस्टिवेशन करता है। एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। ये हाइबरनेशन भी शो करता है, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप। ठीक है, नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रॉग है वो कभी भी पानी नहीं पीती, बट दे एब्जॉर्ब देयर वाटर थ्रू द स्किन एंड दे शो कैमोफ्लाज। तो ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्लियर है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच की अगर मैं बात करूं, तो जो कॉकरोच का डोर्सल साइड पे कलर है, मतलब वो कैसा है? ऑलिव ग्रीन कलर है विद द डार्क इररेगुलर स्पॉट्स। और जो वेंट्रल साइड पे कलर है वो पेल येलो कलर है। ठीक है, तो ये कलर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बॉडी बाय दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हेड और एक ट्रंक में डिवाइडेड है। नेक एंड टेल एबसेंट। तो कॉकरोच के अंदर ना ही नेक होती है ना ही टेल होती है, दोनों के दोनों एबसेंट होती है। सॉरी, अगर आप ये फिगर में ध्यान से देखिए, हेड है, ट्रंक है, आईज है कॉकरोच की। अब ये देखिए, आप दो लिम्स देख सकते हैं यहाँ, ये फोर लिम्ब और ये हिंड लिम्ब। तो अब इनकी बात करते हैं। देखो कितने फोर लिम्ब होते हैं, टोटल चार डिजिट्स होती है फोर लिम्ब के अंदर और पांच डिजिट्स होती है हमारे हिंड लिम्ब के अंदर। फोर लिम्ब जो होता है वो स्मॉलर होता है और हिंड लिम्ब जो है वो लार्जर है एंड मोर मस्कुलर है। वेब जो है वो फोर लिम्ब में नहीं होता पर हिंड लिम्ब में प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज फॉर स्विमिंग। फ्रॉग शोज दी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अगर मेल और फीमेल के अंदर बात करें, कैसे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है? कॉपुलरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट के अंदर फोर लिम्ब में, फीमेल्स के अंदर नहीं होता। वोकल सैक प्रोमिनेंट होता है मेल्स के अंदर पर फीमेल के अंदर नहीं होता। अच्छा, वोकल सैक मेल के अंदर क्यों होता है? वोकल सैक जो है वो मेल के अंदर इसलिए होता है बिकॉज इन द केस ऑफ मेल्स, क्योंकि उनको इम्प्रेस करना होता है किसको, फीमेल्स को। तो उनकी जो आवाज है बहुत मीठी होती है, इसलिए होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एनसीईआरटी क्रैक लाइन, थोड़ा सा आपको इधर करना पड़ेगा। हाँ, एनसीईआरटी क्रैक लाइन्स। आईज ऑफ द फ्रॉग इज कवर्ड बाय द निक्टेटिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाटर एंड मेम्ब्रेनस टिम्फेनम रिसीव साउंड सिग्नल। तो जो फ्रॉग का जो ईयर है उसके वो क्या है, मेम्ब्रेनस टिम्फेनम प्रेजेंट है, टिम्फेनम। ठीक है, विच रिसीव द साउंड सिग्नल्स। ठीक है, तो हमने मॉर्फोलॉजिकली कॉकरोच की, क्या मॉर्फोलॉजी एकदम क्लियर है कॉकरोच की? बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं किस पे, एनाटोमी ऑफ द कॉकरोच पे। अब अगर मैं यहाँ एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच की बात करता हूँ, हमें छह सिस्टम्स पढ़ने, जैसे सॉरी फ्रॉग की कंफ्यूज होगा, जैसे हमने कॉकरोच के अंदर कैसे छह सिस्टम्स पढ़े थे, डाइजेस्टिव, ब्लड वेस्कुलर, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव। सिमिलरली हमें फ्रॉग के अंदर भी पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल है और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग में शॉर्ट होता है बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर और पैंक्रियाज ही प्रेजेंट है। तो देखो क्या होगा, जो फ्रॉग होगा मतलब ये एनसीईआरटी की फिगर है, ईसोफेगस से फूट जाएगा। ईसोफेगस क्या होती है, हमारी शॉर्ट ट्यूब होती है। फिर ईसोफेगस से फूट जाएगा हमारा स्टमक के अंदर, स्टमक से जाएगा फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर हमारा सीधा रेक्टम से, और फिर रेक्टम से बाहर निकलेगा एनस से। नहीं, फ्रॉग के अंदर होता है पोर जिसको हम बोलते हैं क्लेवका। ठीक है, तो अब ये कैसे फूड होता है, क्या होता है, ये सारे इसके स्टेप्स हैं। फ्रॉग कैप्चर द फूड बाय द बाइलोब्ड टंग। ठीक है, पहला तो फ्रॉग फूड कैप्चर कैसे करता है, बाय द बाइलोब्ड टंग। डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल एंड द गैस्ट्रिक जूसेस अकर इन स्टमक एंड इज कॉल्ड काइम। ठीक है, आप जब भी फ्रॉग पढ़े ना, फ्रॉग को हमेशा ह्यूमन से रिलेट करना है, बिल्कुल सिमिलर है ह्यूमन्स के, बस एक दो चीजें अलग है, बाकी पूरा ही सिमिलर है। बाइल हेल्प इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड पेंक्रियाटिक जूस थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट डाइजेस्ट कार्ब्स एंड प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ह्यूमंस में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो डाइजेशन कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई एंड अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू रेक्टम एंड पास आउट थ्रू द क्लियोका। तो क्या क्लियर है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉग में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट होता है। थ्री चेम्बर्ड हार्ट का हमको पता है, दो आर्ट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल है। इट इज कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम, ह्यूमन हार्ट भी पेरिकार्डियम से कवर्ड होता है। सिंगल वेनोसिस, वेनोसिस कहते हैं एक सिंगल लार्ज वेन होती है फ्रॉग में, ये ट्राइंगुलर है एंड जॉइंस द राइट आर्ट्रियम। वेंट्रिकल्स ओपन into sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart। तो जो frog का ventral side होता है उस पर एक artery present होती है, that is conus arteriosus। और ये जो है इसके ventral side पे present होती है। ठीक है, ये frog का heart कुछ इस तरीके से दिखता है, three chambered heart। देखिए 1, 2 and 3 chambers दिख रहे होंगे और आपके यहाँ दो आर्ट्रिया। ठीक है, लिवर जो है, देखो जो फूड है वो इंटेस्टाइन से लिवर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है और लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और किडनी में रेनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जाता है। ठीक है, अच्छा जो ब्लड है उसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड के अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है विच लैक फ्यू प्रोटीन्स इन द आरबीसीज, लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। तो क्या सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम क्लियर है? बिल्कुल, सर्कुलेटरी सिस्टम अपना क्लियर है। तो अब नेक्स्ट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो फ्रॉग्स होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं नेचर में। ठीक है, यूरिकोटेलिक मतलब यूरिया सिक्रीट करते हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस। मैंने क्या कहा, जब भी फ्रॉग्स हम डिस्कस करेंगे हमेशा ह्यूमंस को देख के करेंगे, ह्यूमन जैसा ही है। अब पाथ क्या, किडनी से जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से रेक्टम में, रेक्टम से एनस में, नहीं क्लियोका में। किडनी की कैसी होती है फ्रॉग की, रेड बीन लाइक होती है, ह्यूमंस की भी सेम है। ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट होती है और इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहा जाता है। अगर मैं यूरेटर की बात करूँ तो ये यूरियोजेनिटल डक्ट की तरह काम करती है इन फीमेल्स। यूरेटर एंड ओविडक्ट सेपरेटेड इन क्लियोका। ठीक है, तो क्या होता है ना, फीमेल्स के अंदर यूरेटर और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटेड होते हैं, सेपरेटली ओपन होते हैं क्लियोका में। ठीक है, दे सेपरेटली ओपन इन टू द क्लियोका। यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूँ वो भी रेड बीन लाइक होता है, वेंट्रल टू रेक्टम, ओपन इन टू द क्लियोका। और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो थिन वॉल्ड होता है। फिर अगर रेक्टम का कुछ ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, अगर मैं यहाँ बात करूँ क्लियोका की, क्लियोका की तो ये स्मॉल मीडियन चेम्बर होता है। ठीक है, हेल्प टू स्टोर एंड पास द फीसल मैटर यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर वे क्लियोका।
एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जाता है थ्रू द क्लियोका। तो क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं बात करूँ जो हम नर्वस सिस्टम पे, तो देखो जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है दो में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन एनक्लोज्ड है क्रीनियम में, स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज्ड है वर्टेब्रल कॉलम में। अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करूँ तो इसमें क्रीनियल नर्व प्रेजेंट है, उसकी 10 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल नर्व एंड ANS प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ ब्रेन को डिवाइड किया जाए तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या होता है, ओल्ड फैक्ट्री लोब्स प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर पेयर्ड होते हैं। अगर आप ह्यूमन ब्रेन को भी देखेंगे तो सेम ही चीज है, और एक अनपेयर्ड डाई सेफेलॉन होता है, ठीक है, मतलब एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, पर वो अनपेयर्ड होती है। मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो पेयर्ड होते हैं, और हिंड ब्रेन में सेरेबेलम प्रेजेंट है और मेड्यूला ऑब्लॉगेंडा प्रेजेंट है। मेड्यूला ऑब्लॉगेंडा पासेस टू द फोरमैन मैग्नम एंड कंटेन्स इन टू द स्पाइनल कॉर्ड। फोरमैन मैग्नम क्या है, कैनाल जैसा होता है, ठीक है। अगर मैं सेंस ऑर्गन्स की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ सेंसरी पैपिले है जो टच के लिए होता है, टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट के लिए होता है, नेजल एपिथीलियम जो है वो स्मेल के लिए होता है, सिंपल आईज जो है वो विजन के लिए है, और जो ईयर है वो हियरिंग और मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा ये बात बहुत ध्यान में रखना, जो सेंसरी पैपले है टेस्ट बर्ड्स हैं, और जो नेजल एपिथीलियम है उसमें क्या होता है, जो सेल्यूलर एग्रीगेशन प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग्स में, पर जो इनकी जो आईज होती है, जो ईयर है, वो एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूँ तो पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस है, पीनल बॉडी होती है, पेंक्रियाटिक इसलेट्स होते हैं, पेंक्रियाटिक सेल्स होते हैं, एंड्रीनल ग्लैंड होता है, गोनाड्स होता है, ठीक है, वेरी मच सिमिलर टू ह्यूमंस। तो क्या आपको न्यूरल सिस्टम क्लियर है? फ्रॉग बहुत ही ज्यादा ईजी है, कॉकरोच अगर आपको आगे तो फ्रॉग तो कुछ भी नहीं है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूँ तो लोकेशन, अगर फ्रॉग पानी, क्योंकि फ्रॉग क्या एक एम्फीबियन है, तो अगर पानी में लोकेटेड है वाटर, या अगर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन कर रहा है, तो इसमें मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा, क्यूटेनियस होगा और हाईली वेस्कुलराइज होता है ये। पर अगर फ्रॉग लैंड पे है तो क्यूटेनियस भी हो सकता है, बकल कैविटी के थ्रू भी हो सकता है, पल्मोनरी भी हो सकता है। एनसीआरटी क्रैक लाइन, लंग्स आर पेयर्ड ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द थोरैक्स। तो जो लंग्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और ये पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है उसका मोड कैसा होता है, एयर नॉस्ट्रल से जाती है, नॉस्ट्रल से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से नर्व्स है, वेरी मच सिमिलर। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेता हूँ मैं, तो इसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें पहले मैं बात कर लेता हूँ टेस्टिस की। तो टेस्टिस का क्या है, एक पेयर प्रेजेंट होता है, टेस्टिस जो है वो येलोइश या ओवॉइड होती है, अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम, जिसको मेसोकोरियम कहते हैं। मैं वापिस से बता रहा हूँ, अटैच टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड एज अ मेसोकोरियम। इट इज 10 to 12 इन नंबर, ओपन इन टू द बिडर्स कैनाल एंड फाइनली कम्युनिकेट्स विद द यूरियोजेनिटल डक्ट। यूरियोजेनिटल डक्ट आपका यूरेटर है, ठीक है। ये मैंने किसका, ये वासेफ्रेंचिया के बारे में बताया, और मैंने यहाँ इधर टेस्टिस के बारे में बताया, ठीक है। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँ, तो अगर मैं इसमें ओवरी की बात करूँ, ये देखो ये एरो ओवरी का है, तो ओवरी का एक ही पेयर प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट नियर किडनी, नो फंक्शनल कनेक्शन विद दी किडनी, ठीक है। और अगर मैं ओविडक की बात करूँ, तो इसका भी एक पेयर प्रेजेंट होता है, ओपन सेपरेटली थ्रू द क्लियोका, ठीक है, पढ़ चुके हैं अपन। एनसीआरटी क्रैक लाइन, अ मैच्योर फीमेल कैन ले 2,500 to 3,000 ओवा एट अ टाइम। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है एंड टेक्स प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द लार्वल स्टेज टेडपोल, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से अपन ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा फ्रॉग विद इन 15 मिनट्स, क्योंकि फ्रॉग बहुत ही ज़्यादा ईजी था। कॉकरोच में ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, कॉकरोच बहुत बड़ा भी था। थैंक
360 में से 360 लाएंगे, एकदम फोड़ के आएंगे, और बस मैं ये आपका जो नोट्स है वो वन ड्राइव में डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इन पॉइंट को याद रखना, बस एस्टिवेशन हाइबरनेशन थोड़ा आपका हाइबरनेशन पता ही होगा मेंटल स्लीप होता है, एस्टिवेशन का बस याद रखना समर स्लीप होता है, ठीक है। बस ठीक है फिर मैं क्या और ये बस फ्रॉक का खत्म फिर। अच्छा ये बार याद रखना, रियली आज एक्सपेक्टेड टू आस 2 to 3 क्वेश्चन इन नीट 2024, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उड़ के आएंगे। चलो बाय।